लिंगराज मंदिर में एक साथ बसते हैं भगवान शिव और विष्णु, जानिए इससे जुड़ी रोचक बातें। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है लिंगराज मंदिर। 55 मीटर ऊंचाई पर बने इस मंदिर का निर्माण कलिंग और उड़िया शैली में किया गया है। भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप शिव और विष्णु दोनों के भक्त हैं, तो आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां आप इनके दर्शन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक लिंगराज मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाती है। लिंगराज मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भुवनेश्वर नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। दरअसल भगवान शिव की पत्नी को यहाँ भुवनेश्वरी कहा जाता है, वही लिंगराज का अर्थ होता हो लिंगम के राजा, जो यहाँ भगवान शिव को कहा जाता है। पहले इस मंदिर में शिव की पूजा कीर्तिवास के रूप में की जाती थी, फिर बाद में हरिहर के रूप में की जाने लगी। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर शहर का एक मुख्य लैंडमार्क है। लिंगराज मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जिसकी बनावट उत्कृष्ट है। इंटरनेट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को सोमवंशी राजा जजाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। वहीं मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर का निर्माण कलिंग और उड़िया शैली में किया गया है। इसे बनाने के लिए बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। खास बात है कि इस मंदिर के ऊपरी भाग पर उल्टी घंटी और कलश को स्थापित किया गया है, जो लोगों को काफी आश्चर्यजनक लगता है। वहीं इसके शीर्ष हिस्से को पिरामिड के आकार में रखा गया है। अन्य हिंदू मंदिर की तुलना में लिंगराज कुछ कठोर परंपराओं का पालन करता है। यही वजह है कि इस मंदिर के अंदर गैर हिंदू लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि इस मंदिर के बगल में चबूतरा बनवाया गया है ताकि दूसरे धर्म के लोग भी इसे आसानी से देख सके। वहीं सर्दियों के मौसम में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए अधिक आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में भुवनेश्वर का मौसम काफी गर्म और उमस से भरा रहता है। ऐसे में इस मौसम में आना लोगों के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहता है। हालांकि सर्दियों में यहाँ का मौसम काफी सुहावना रहता है और आसपास काफी खूबसूरती देखने को मिलती है। भुवनेश्वर आने के बाद आप किसी पर्सनल गाड़ी या फिर टैक्सी आदि की मदद से मंदिर तक आसानी से पहुँच सकती है। लिंगराज के अलावा भुवनेश्वर में कई और प्रसिद्ध मंदिर है। इनमें जगन्नाथपुरी मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और समलेश्वरी मंदिर आदि शामिल है। इसके अलावा कई पर्यटक स्थल भी हैं, जहां लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। इतिहास के पन्नों में इस शहर का नाम कलिंग के युद्ध के लिए दर्ज है। महानदी के तट पर स्थित इस प्राचीन शहर का नाम इतिहास के पन्नों में कई वजहों से दर्ज है। कहा जाता है कि भुवनेश्वर शहर में 2000 से ज्यादा मंदिर है, इसलिए इसे भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है। यही नहीं, इस धार्मिक शहर में और भी काफी कुछ देखने के लिए है, जो यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को अपने में समाये हुए है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।